हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। वैदिक गणित की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, वैदिक मैथ की, वो एक्सरसाइज फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो क्या है? निखिलम विधि से भाग दीजिए, डिवाइड बाई निखिलम मेथड। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है एंड थर्ड, ये तीनों ही क्वेश्चन किस बेस पे करने हैं अपने को? निखिलम विधि से हमें करने हैं, निखिलम मेथड से हम ये करने हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 1245 में अपने को भाग देना है 97 का, ठीक है। 1245 में डिवाइड करना है 97 का, तो ठीक है, हमें निखिलम से करना है। तो सबसे पहला जो काम है कि हमने पहले आपको जब एग्जाम्पल हमने आपको सॉल्व करवाए थे, तब आपको बताया था कि जब निखिलम से हम डिवाइड करते हैं, निखिलम से जब हम भाग देते हैं, तो जो इसका डिवाइजर है, ठीक है, जो इसका भाजक है, उसका हमें क्या लेना होता है? आधार। क्या लेना होता है? नहीं, आधार। तो 97 का जब हम आधार या बेस जब हम लेंगे, आधार या बेस एक ही बात है, ठीक है। जब हम इसका आधार लेंगे तो आधार क्या होगा इसका? देखो 97 किसके नज़दीक है, तो आप बोलोगे 97 100 के पास है, तो 100 के पास है तो हम इसका बेस लेंगे 100, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तीन कॉलम हमें बनाने होते हैं निखिलम से डिवाइड करने के लिए। फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें अपने को डिवाइजर को रखना है, डिवीजर को रखना है, भाजक को रखना है, तो हम रखते हैं यहां पर 97। अब हम देखेंगे कि ये आधार से बेस से कितना कम है, 97 से कितना कम है या कितना ज्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? -3, क्योंकि जब डिफरेंस ये कम है, 97 क्या है? लेस है, 100 से कम है, तो हम इसको नेगेटिव में, इसका जो डेविएशन है, जो इसका विचलन है, वो किसमें आएगा? माइनस में। तो हम यहां पर लेंगे -0। देखो इधर ये किसका है? माइनस का, कम है, इसलिए हमने माइनस लिखा इस पे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब मैंने आपको निखिलम और प्रावर्त्य योजित से भाग देना बताया था, दोनों ही सेम मेथड के हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि हमें प्रावर्त्य में जो साइन होता है वो यहां पर कंसिडर करना होता है, वो हमें साइन यहां पर लिखना होता है। लेकिन जब हम इसे निखिलम से करेंगे तो हमें जो इसका जो डिफरेंस है, जो इसका विचलन है, जो अंतर है, उस पर कोई साइन नहीं लगाना, यानी ये हमें 0-3 ही लिखना है, ठीक है। वैसे जो इन दोनों का अंतर था वो कितना था? 3, लेकिन हम इसे 0-3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आधार है उसमें कितने 0 हैं? 00 हैं, 00 है, तो इसे हमें जो ये इसका विचलन आया था उसे हमें दो अंकों में करना जरूरी है, इसलिए हमने इसको 0-3 कर दिया, ठीक है। अगर वहाँ पे 1000 होता या 1000 होता, 1000 होता, तो क्या करते हैं हम इसको 3 अंकों में बनाते, फिर हम 1 0 और लगाते। तो हम स्टार्ट करते हैं। जितने आधार में 0 होते हैं, जितने आधार में 0 होते हैं, उतने अंकों को, देखो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, उतने अंकों को हमें किसके डिविडेंड के, भाज्य के, उतने ही अंकों को हमें लास्ट वाले कॉलम में रखना होता है। तो 45 को हमने लास्ट वाले कॉलम में रख दिया क्योंकि 2 0 थे आधार में, बीच में रखेंगे 12। अब जैसा कि आपको बता रखा था कि जो मिडिल कॉलम है, जो बीच वाला कॉलम है, उसमें हमने पहले वाले अंक को ऐसे कैसे उतार लेना है, तो हम 1 को ऐसे कैसे उतार लेंगे, ठीक है। तो हमने 1 को यहाँ पर उतार लिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो 3 है, अब इसका काम जो है, सारा काम इस 3 का है, इससे हमें गुणा करते चलना है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0-3। अब देखो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया, लेकिन हमें 0-3 ही लेना है क्योंकि आधार में 2 0 है, तो हमें 2-2 डिजिट हमारे पास होनी ही चाहिए, 2-2 अंक हमारे पास होने चाहिए। तो हमारे पास आया, इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास आया 3, यानी 0-3। अब उसको आपको कहाँ लिखना है? जिस अंक को आपने नीचे उतार लिया वहाँ आपको नहीं लिखना है, नेक्स्ट जो अंक है उसके पास लिखना है। तो ऐसे नहीं कि आपको 0-3 0-3 इधर ही लिख देना है, हमें 1 अंक के नीचे केवल 1 ही अंक लिखना है। तो 0 और 3 कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा काम, देखो दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 2 में जब 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा, वैसे तो जोड़ना हमें इसे भी है, लेकिन हमें आपको बताया था कि हम एक एक कॉलम को ऐड करते जाना है, एक एक कॉलम को जोड़ना है। तो अब करेंगे, अब इनको जोड़ दिया, फिर वही गुणा का काम, ऐड करते जाना है, गुणा करो, ऐड करो, गुणा करो, बस यही प्रोसेस चलेगी इसमें, ऐड एंड मल्टीप्लाई। तो
तो 3 × 6 = 6, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखो अब 6 लिखना है तो 6 नहीं लिखेंगे हम, 0 6 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 6। तो 0 तो हम लिख देंगे इस, क्योंकि इसका काम तो हो गया है, तो हम 0 लिखेंगे यहां पर, और जो 6 है वो अगले वाले के पास, अगले अंक के नीचे। अब जब हमारे लास्ट वाले कॉलम में नंबर आ जाते हैं, जो गुणा करने पर, जो मल्टीप्लाई करने पर जो डिजिट आ रहे हैं वो अगर लास्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, उन जो डिजिट्स को है हमें क्या कर देना है, ऐसे कैसे उसे लिख देना है, और हमें फिर ये जो मल्टीप्लाई वाला काम है वो सारा बंद कर देना है, ठीक है। फिर हमें एक साथ सबको ऐड कर लेना है। वैसे तो हमने क्या किया था, एक एक कॉलम ऐड कर रहे थे, लेकिन जब लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे तो सारे एक साथ ऐड कर लेंगे। तो हम करेंगे 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 यहां पे हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 6 और 5 11, 1 और 5 और 3 8, तो कितने आ गए 12 81, 12 तो आ गया भागफल, और ये आ गया आपका शेषफल, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है और ये क्वोशेंट, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, हमने 97 से डिवाइड किया, डिफरेंस आया हमारा 3, पहले वाले अंक को ऐसे कैसे उतारा, फिर इसको इससे गुणा किया, 3 × 3 = 3, तो 0 3 हमने यहां पर लिखा, 2 में से जब 0 जोड़ा 2 आ गया यहां पर, अब फिर हम 2 से गुणा करेंगे, 3 × 6, तो 0 6, ठीक है। अब देखो अब लास्ट वाले कॉलम में आते हैं, हम एक साथ जोड़ देना 6 और 5 11, फिर हासिल यहां पर 1 लिखेंगे, हासिल यहां पर 4 और 1 5 और 3 8, ठीक है। अगर हमारा शेषफल इस डिवाइजर से, डिविजर से जब बड़ा आ जाता है तो हमें ये वाला इसमें से माइनस करना होता है, लेकिन अभी हमारे पास इससे छोटा है इसलिए हमें यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो आप इसको राइट करते जाया करो साथ साथ में नोटबुक में। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 311/8, 311 को 8 से भाग देना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो अब हमें किसका आधार लेना है, किसका बेस लेना है, डिवाइजर का, जो जिससे हम जिस भाजक यानी भाजक का हमें क्या लेना है यहाँ पर आधार लेना है, बेस देखना है। तो 8 का बेस कितना होगा, बेस या आधार कितना होगा, देखो 8 किसके नज़दीक है 10 के, तो बेस कितना हो गया 10, तो वही 3 कॉलम बनाने हैं अपने को। बेस में जितने 0, आधार में जितने 0 है उतने अंक हमें लास्ट वाले कॉलम में रखने हैं, लास्ट वाले में 1 लिखना है, बीच में 31 लिखना है, 8 को यहां लिख देंगे। अब हमें इसके नीचे क्या लिखना होता है, इसका अंतर, इसका डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस कितना है, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, 8 और 10 के बीच की कितना अंतर है 2 का, तो वो 2 हम यहां लिखेंगे, चाहे वो माइनस का है या प्लस का है, हमें यहां पर साइन कंसीडर नहीं करना, साइन यहां पर नहीं लिखना है, चिन्ह नहीं लगाना, चिन्ह कब लगाना है जब आपका परावर्त्य से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। फिर वही पहला अंक ऐसे कैसे उतार लेना है, यानी 3 को हमने ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है। अब देखो अब इसका काम सारा क्या है, गुणा का, मल्टीप्लाई का, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 6 लिखेंगे हम अगले के पास। अब यहां पर हमने 0 6 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आधार में 1 ही 0 है तो 1 ही अंक है, तो हमने लिखा 6, 6 और 1 7, ठीक है। अब फिर वापस से जोड़ते जाना है, गुणा करते जाना है, 7 × 14, तो हम लिखेंगे यहां पर 14, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, देखो ये जो अब लास्ट वाले कॉलम में जब आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, एक साथ ऐड करना होता है, तो देखो 14 और यहां पर 1 था ना, तो आप ऐसे नहीं करोगे, 1 को 10 थोड़ी बना सकते हैं हम, क्योंकि तो आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और 1 = 2, 24 हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर कितना है 1 है और नीचे कितना है 14 है, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अब वैसे तो होने को तो ऐसे चाहिए था क्योंकि लास्ट वाले कॉलम में 1 था, हम इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 4, और मैंने बोला था लास्ट वाले कॉलम को एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो हम यहां पर क्या फिर इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो 4 और 1 और 1 2, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता क्योंकि यहां पर हमारे पास ओनली 1 है, तो आपका 14 और 1 15 ही होगा, 14 और 1 15। अब देखो अब ये जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कितना आ गया, डिविजर से बड़ा आ गया, भाजक से
बड़ा आ गया, तो बड़ा आ जाएगा तो मैंने क्या बोला था आपको, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से ये क्वेश्चेंट है, ये भागफल और ये शेषफल। हमें किस में से क्या माइनस करना है, हमें शेषफल में से 8 माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आ गया था 15। 8 को हमने जितने बार माइनस किया, हमने एक ही बार किया, 8 एकम 8, अगर 8 दूनी 16 अगर माइनस करते तो यहां 2 ऐड करेंगे, अगर आपने 16 एकम 16 एक बार किया तो यहां पर 1 लिखेंगे, तो यहां एक ही बार हमने 8 को माइनस किया तो यहां पर लिखेंगे 1। 15 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आएगा 7, और 37 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया 38। तो ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया शेषफल। इसको आप राइट कर लीजिएगा या आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का इसको राइट करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 1013/88। 1013 में 88 का भाग देना है, 88 का हम लेंगे बेस या आधार, एक ही बात है, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार। क्या लेंगे? 100, क्योंकि 88 के नजदीक क्या है? 100। अब हम वही 3 कॉलम हमें बनाना है, बीच अब जितने जीरो हैं आधार में उतने अंक हमें लास्ट वाले कॉलम में रखने हैं। तो यहां पर लिख दिया हमने 13, यहां पर हो गया 10। भाग देना है हमें किससे? अब देखो 88 से डिवाइड करने से 88 को यह लिखा। अब इसके नीचे लिखते हैं इसका अंतर, आधार का और इसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो 100 में और 88 में कितने का डिफरेंस है? 12 का, 12 का अंतर है। 88 में और 100 का में कितने का अंतर है? 12 का। अब देखो पहले वाले अंक को ऐसे कैसे उतारा, अब इसका काम क्या होता है? गुणा का। 12 1 12, 12 एकम 12। इस अंक के नीचे लिखेंगे नहीं, अगले अंक के नीचे, तो ऐसे एक के नीचे एक ही लिखना है, 1 और इस एक के नीचे 2, तो 12। ऐसे नहीं 12 आप सिंगल डिजिट के नीचे लिख दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐड करो कॉलम, एक एक ऐड करने, 1 और 0 ऐड किया तो 1, फिर से करो 12 एकम 12, अगले अंकों के नीचे लिख दो। जब लास्ट वाले कॉलम में जो गुणा करने के बाद जो नंबर आता है, जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आता है, अगर वो लास्ट वाले कॉलम में आ जाता है तो फिर अपने को एक साथ ऐड कर लेना है। वैसे तो हम एक एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, 3 और 2 5, 3 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है, भागफल और शेषफल, ठीक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, जो अलग मेथड से करने हैं हमें, तो अभी आप इसको राइट कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 किस मेथड पे है? निम्नलिखित का वर्ग कीजिए, इसमें ये लिखा हुआ है निम्नलिखित का वर्ग कीजिए, स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इसमें जो मेथड लगाना है वो लगाइए, जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो आपको लगाना है, जो आपको इजी लगे वो वाला मेथड आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे स्क्वायर के लिए? हमने पढ़ा था स्क्वायर के लिए सूत्र अनुरूपेण पढ़ा था, द्वंद्व योग पढ़ा था, और आपने ये एकाधिकेण पढ़ा था। तो इस टाइप से बहुत सारे हमने मेथड पढ़े थे, तो हमें वो मेथड काम में लेना है जो इनमें ईजी रहे। तो देखो आपको कैसे पता चले किसमें कौन सा मेथड हमें यूज में लेना है, यानी कौन से क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा मेथड इजी रहेगा, तो वो वाला मेथड आपको कैसे पता लगे? तो जब भी आपका कोई नंबर है वो अगर ऐसे आ गया 205, 220 या 325 या 304 या 720, 704, 05, इस टाइप से नंबर आते हैं, यानी जो 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है, इस टाइप वाले नंबर के नजदीक होता है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, यानी 100 वाले फॉर्म के नजदीक होता है, तो हम कौन सा मेथड लेते हैं? हम लेते हैं निखिलम, निखिलम विधि हम काम में लेंगे। अगर नजदीक इसके हो, निखिलम विधि कहाँ लेंगे? जब हमारा 100 वाली अंकों के नजदीक हो, 100 का मतलब कोई जरूरी नहीं 100 के नजदीक आए, 200 के भी आ सकता है, 300 के भी, 400 के भी, 500 के भी, 600 के भी, 700 के, अगर उनके नजदीक आता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है निखिलम विधि। इसके बाद में आता है अगर आपके पास निखिलम विधि का पता लग गया, 100 के पास वाले अंकों में निखिलम विधि, और अगर आपके पास किसी जैसे कोई भी नंबर मैंने लिखा है यहां पे, ये 35 लिखा हमने कोई नंबर,
और 35 को आपको स्क्वायर करना है, तो आपको ये देखना है, वर्ग करना है तो कि दाईं तरफ कौन सा अंक आ रहा है। अगर दाईं तरफ राइट हैंड साइड में अगर पहला जो डिजिट है वो 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड में अगर पहला डिजिट 5 आ रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एकाधिकेन। ठीक है, कौन सा रहेगा? एकाधिकेन। तो कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए? एकाधिकेन। कब रहेगा ये एकाधिकेन? एकाधिकेन कब रहेगा? जब हमारे पास राइट हैंड साइड में ये यूनिट डिजिट इकाई वाले स्थान पे अगर 5 होता है तो हमारे लिए एकाधिकेन बेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और होता है, जैसे अगर मान लो आपके पास 37 का स्क्वायर आ गया, 65, जो ना किसी के नजदीक हो, बीच में कहीं से भी आ जाए, तब आप उसके लिए सूत्र संकलन व्यवकलन आप कर सकते हो। ठीक है, कौन सा मेथड? संकलन व्यवकलन मेथड आप इसमें यूज ले सकते हो। तो वो मैंने आपको अच्छी तरीके समझा रखा है, अगर आपको समझना है तो पिछले वीडियो में आप जाके संकलन व्यवकलन जितनी भी विधियां मैंने बताई है उसमें जाके आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 103। अब देखो ये 100 के पास वाला नंबर है, 100 के पास वाला नंबर है, तो हमने कौन सा मेथड यूज में लेना है? निखिलम मेथड। अब निखिलम मेथड में हमें क्या लेना होता है? बेस। ठीक, निखिलम मेथड में कौन सा लेना होता है? हमें बेस लेना होता है। अब बेस इसका कितना आएगा, आधार कितना आएगा? देखो 103 किसके नजदीक है? 100 के। तो बेस हो गया इसका 100। तो जब हम निखिलम विधि से स्क्वायर करना पड़ा था, कैसे पड़ा था? एक तो निखिलम विधि से स्क्वायर है और दूसरा एक था उपसूत्र याओदुनम ताओदुनी, वो भी आप उससे भी कर सकते हो क्योंकि वो भी इजी है। वो किस निखिलम बेस्ट ही था, निखिलम पे बेस्ट था, तो उसी के आधार पे करते हैं। संख्या प्लस विचलन, 103 और 100 में कितना अंतर है? ठीक है, विचलन डेविएशन कितना है? विचलन को अपन डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, डेविएशन डी से डिनोट कर देंगे, तो डेविएशन कितना है? 3। तो नंबर प्लस विचलन, एक आपको कॉलम लगाना है और विचलन का स्क्वायर, ये निखिलम से स्क्वायर करने का फॉर्मूला है। विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 नहीं लेंगे हम, कितना लेंगे? हाँ आप चाहे 3 ले लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और 103 और 03 कितने हो गए? 106। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास जो आधार में है वो कितने जीरो है? 00। आधार में कितने जीरो है? 00। तो हमारे हर कॉलम में कितने अंक आने चाहिए? 2-2 अंक आने चाहिए। लास्ट वाले में तो कितने भी डिजिट आ सकते हैं, लेकिन शुरू वाले यानी बाकी कॉलम से कितने आने चाहिए? 2-2 अंक आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बेस है, जो आधार है, उसमें कितने डिजिट है? 2-2 जीरो है। कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो हमें यहाँ पर 2-2 डिजिट रखना है। अब हमारा जो 3 का स्क्वायर आया वो क्या आया? 9, एक अंक में, हम इसे 2 में बना देना है। लास्ट वाले कॉलम में जितने भी अंक हैं उनको ऐसे कैसे लिख देते हैं? अब सारों को साथ लिख दो, सभी को एक साथ लिख दो, ये हो गया आपका आंसर। तो देखो निखिलम से कितना ईजी हो गया, नंबर प्लस डेविएशन, फिर आपको ऑब्लिक लगाना है और डेविएशन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ठीक है, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको नंबर प्लस डेविएशन और डेविएशन का स्क्वायर, ये देखो यही फॉर्मूला तो आपका निखिलम में होता है और उपसूत्र याओदुनम में भी यही फॉर्मूला है, उसी बेस्ट पे करते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ट है वो भी। अगर आपके पास सब बेस्ट डिजिट आ जाता है तो आपको सब बेस्ट डिजिट से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने क्या किया, संख्या प्लस विचलन, विचलन डिफरेंस बेस एंड नंबर्स के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड नंबर्स, बेस एंड नंबर के बीच का जो भी डिफरेंस है वो हमें लिखना है डेविएशन में। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 95। अब हम इसका स्क्वायर करना है, तो देखो इसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 5। तो मैंने बताया था कि एकाधिकेन से करना है हमें, किससे करना है इसको? एकाधिकेन से। अब एकाधिकेन से करना है, ठीक है, एकाधिकेन से जब हमें करना है इसको तो क्या करेंगे? देखो एकाधिकेन में क्या करते हैं, जो 5 जो डिजिट है, जो हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है 5, हमेशा उसका तो होगा स्क्वायर,
और जो रिमेनिंग डिजिट्स है, रिमेनिंग डिजिट क्या है, 9, उसका एक अधिक करके कर देना है आपको मल्टीप्लाई, एक ज्यादा करके, क्योंकि एकाधिक के नाम है तो 9 × 10 और 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम जब 95 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 95 × 95, तो एकाधिक में क्या था, जिन अंकों का योग 10 हो रहा है, 10, 100, 1000 हो रहा है, उनको हम क्या करते हैं, उन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो स्क्वायर, और जो डिजिट बच गया, जो सेम डिजिट है, उसका हमें एक अधिक करके गुणा करना होता है। तो वही बात है यहाँ पर, आपको एकाधिक एन में बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, जो 5 आता है यूनिट प्लेस पे, जो 5 आ रहा है उसका हमेशा स्क्वायर करना है, जो रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट क्या है, 9, जो बच गया वो डिजिट क्या है, 9 को उसके एक अधिक से गुणा कर देना है, 5 का करना है स्क्वायर, जो अंक बच जाता है उसका एक अधिक करके हमें कर देना है गुणा, ठीक है। तो देखो 25 और 9 × 90, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, दोनों को हम क्या लिख देंगे, साथ साथ में लिख देंगे, कितना हो गया, 90 25, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको राइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 204, और इसका करना है हमें स्क्वायर, 204 का वर्ग करना है, ये 200 के नजदीक है तो निखिलम इसके लिए बेस्ट रहेगा, निखिलम या उर्ध्व तिर्यक, निखिलम या उर्ध्व तिर्यक इसके लिए बेस्ट रहेगा, तो बेस्ट इसके लिए कौन सा है, निखिलम, तो निखिलम पे अपन करते हैं इसको, निखिलम में क्या करते हैं, अभी हमने पहले बताया, नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो यहां पर देखो नंबर क्या है, पहले तो इसका बेस लेना पड़ेगा ना हमें, डेविएशन निकालने के लिए बेस, इसका बेस हो गया 100, ठीक है, हमेशा आधार हमें 100, 1000, 10000 इस फॉर्म में लेना होता है, 100, 1000, 10000 इस टाइप में लेना होता है, तो ये हो गया बेस आधार। और अब इसके बाद में, आधार लेने के बाद में भी जब हम इसके नजदीक नहीं पहुंच रहे, जब इसके नियरेस्ट नहीं आ रहे हम, तो हमें इसका सब बेस लेना होगा। देखो यहां पर 204 है, यहां पर 100 है, तो अंतर बहुत ही ज्यादा हो गया, तो नजदीक में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नजदीक क्या है, 200 इसके नजदीक है, तो हम बेस को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 200, ये हो गया सब बेस, ठीक है, उपाधार, सब बेस को अपन बोलते हैं उपाधार। और एक होता है सब बेस डिजिट, उपाधार अंक, वो क्या है, 2, क्योंकि 2 से गुणा करने पे ही क्या हो रहा था, 200, तो वो क्या हो गया, उपाधार अंक। तो जो आपका फॉर्मूला था, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, तो उस फर्स्ट वाले कॉलम में मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास उपाधार आ जाता है तो आपको उसको उस उपाधार अंक से गुणा करना होता है, सब बेस डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो संख्या 204 प्लस विचलन, विचलन यानी अंतर, अंतर अब किस में देखेंगे, अंतर अगर आपको उपाधार आ जाता है तो सब बेस आ जाता है, तो अंतर हमें उससे देखना होता है, तो 200 और 204 में अंतर कितने का, 4 का, तो हम लिखेंगे 04, ठीक है, ऑब्लिक संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 × 16, 204। अब देखो यहां पर उपाधार लिया तो उपाधार अंक से गुणा भी करना होगा, तो 2 × 208 कितना हो जाएगा, 208 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 416, 208 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 208 का डबल होता है 416, यहां पर लिख दिया हमने 16। अब देखो आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें 2 अंक रखना है, तो यहां पर रखा हमने 16, यहां पर रखा 416, तो ये हो गया आपका आंसर। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, नंबर प्लस डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, ये यावदुनम भी यही है और निखिलम से भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट जो इसका 7 क्वेश्चन है वो वाला करते हैं, 7th जो क्वेश्चन है वो है 225। तो 225 को देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 5, तो एकाधिकेन से करेंगे, तो एकाधिकेन से करेंगे, तो एकाधिकेन में क्या करते हैं, जो 5 होता है हमें उसका क्या करना होता है, स्क्वायर, और जो रिमेनिंग डिजिट्स है उसका हमें एक अधिक करके क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो 5 का स्क्वायर और रिमेनिंग डिजिट क्या बच रही है, 22, तो 22 × 20। अब ये थोड़ा सा क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमें साइड में करके देखना होगा, 22 × 23, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और ये
6, 0, 5, 506 कितना आ गया 506, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो कितना हो गया, अब सबको साथ साथ लिख दो, 506, 25, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 506, 25। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर 100, 200, 300, 400, 500 के अगर नजदीक होता है इस टाइप से, तो हमें उसे निखिलम के तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हम इसी को एक बार निखिलम से भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे देखो, निखिलम के लिए हमें क्या लेना होगा, आधार। तो हमने जो इसका आधार लिया वो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर बेस ले रहा हूँ इसका 100, ठीक है। आधार लिया हमने 100, उपाधार क्या होगा 200, और जो उपाधार अंक है वो कितना हो जाएगा 2। उपाधार अंक, सब बेस डिजिट बोलते हैं उपाधार अंक को, उपाधार अंक है 2, ठीक है। अब हम करना स्टार्ट करते हैं यहां पर निखिलम से। इधर संख्या प्लस विचलन, तो 225 विचलन, जो डेविएशन कैसे देखते हैं, 225 में और उपाधार में कितना अंतर है, 200 में और 225 में कितना अंतर, 25 का अंतर। देखो विचलन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड सब बेस, या अगर बेस ले रहे हो तो बेस, तो सब बेस कितना डिफरेंस है यहां पर 25। तो संख्या प्लस विचलन, विचलन का स्क्वायर, ठीक है, विचलन का स्क्वायर। अब यहां पर सब बेस भी है तो हम यहां पर उसको टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सब बेस डिजिट से। अगर सब बेस उपाधार अंक होता है तो हमें उससे भी गुणा करना होता है। उपाधार अंक और सब बेस डिजिट, वो दोनों इंग्लिश में सब बेस डिजिट बोलते हैं और हिंदी में उसे उपाधार अंक बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 225 और 25, 250 गुणा 2, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ कितना हो गया 500। अब देखो आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें 2-2 अंक रखने हैं, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है 25, और जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा 500 के पास, तो 506 हो गया। अब साथ में लिख दो 506। तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, ये सेकंड जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था 95 का स्क्वायर, इसको हमने किससे किया था, एकाधिकेन से। हम इसको संकलन व्यवकलन से भी आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेवरेट नंबर वाला जो मेथड है, फेवरेट नंबर मेथड या इष्ट संख्या मेथड या संकलन व्यवकलन विधि। तो देखो उसमें क्या होता है, इसके कोई भी नजदीक का ले लो, या तो 90 ले लो, या तो 90 ले लो, या 100 ले लो। अगर आपको ये विधि पता नहीं है, संकलन व्यवकलन विधि, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके से देख सकते हैं। तो 95 में प्लस 5 भी करेंगे हम, क्या ले रहे हैं इसमें 100 ले रहे हैं हम, तो 95 और 100 में कितने का अंतर है 5 का, तो जो अंतर होता है वो जोड़ना भी है और हमें घटाना भी है, 95 माइनस 5, और जो अंतर है जो हमने 5 लिया उसका स्क्वायर भी कर देना है, यही तो है जोड़ना घटाना संकलन व्यवकलन। देखो यहां पर हमें संख्या को नहीं बदलना है, ऐसे नहीं कि 95 है तो सर ये 95 और 5 तो 100 हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, संख्या तो वही रहेगी, बस आपको जो अंतर है उसको जोड़ना है और घटाना है, जो डिफरेंस है उसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। 95 5 100, 95 में 5 माइनस करेंगे 90, और 5 का स्क्वायर 25, 100 और 90 को जब गुणा करेंगे तो 900, ठीक है, ये 9000 और 25 कितना आ गया 9000 और 25, एक मिनट, और ये हमें यहाँ पर प्लस करना था, प्लस करना है ना, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 तो कितना आ जाएगा 9000 और 25 9025, तो ये आपका आंसर हो गया संकलन व्यवकलन से। एक बार फिर से बता देता हूँ, संकलन व्यवकलन में क्या करना होता है, नंबर लिया, नंबर के पास वाला देखते हैं, आप 90 से करोगे तो भी आंसर आएगा और 100 से करोगे, यानी जो नज़दीक का है वो लेना है। हमने 100 लिया, 100 और जो 95 है, 95 है 100 के बीच के डिफरेंस कितना है 5, तो हमने 5 को एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, जो हमने जोड़ा और घटाया उसका स्क्वायर भी कर देना है, उसका वर्ग भी कर देना है, और आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।